जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामान्य निर्वाचन 2024 इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो ईवीएम के माध्यम से होनी है। तो ईवीएम के जो पार्ट हैं, बैलेट यूनिट, ये इधर हमारे कंट्रोल यूनिट है, और ये प्रिंटर की तरह कार्य करने वाला वीवीपैट, तो इनको कैसे कनेक्ट करें सही से ये आना बहुत जरूरी है। तो इसका सीधा सा एक फॉर्मूला है, BVC, यानी कि बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट, इस तरह से कनेक्ट करते हैं। ये हमारी बैलेट यूनिट है, इससे जो ये वायर निकला हुआ है, देखिए इसके दो पार्ट हैं, ये रेड और ये ब्लैक। तो इसको पकड़ने का तरीका भी, जब कनेक्ट करेंगे तो इसको ऐसे गर्दन से पकड़ेंगे और इसको वी में, यानी कि वीवीपैट में कनेक्ट करेंगे। तो रेड का जो पार्ट है वो रेड की तरफ और ब्लैक का जो पार्ट वो ब्लैक की तरफ करते हुए इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, और ये आवाज आई है तो इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया सही से। इसके बाद जो हमारा वीवीपैट है, इससे जो वायर निकला हुआ है, इसको इसी तरह से हमें कनेक्ट करना है हमारी सीयू कंट्रोल यूनिट में। ऐसे इसको होल्ड करना है और इसको भी सेम उसी तरह से, ये आवाज आई तो ये भी कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद ये ध्यान रहे कि पूरी कनेक्शन की प्रक्रिया हमें ऑफ मोड में करनी है। ऑफ का मतलब हमारी जो वीवीपैट है उसकी जो नॉब है वो हॉरिजॉन्टल रहे, वो हमें वर्टिकल नहीं रखनी है, और उसको उसके बाद ऑन करेंगे। और ऑन करने के बाद, उसके बाद जो है हम ये सीयू को ऑन करेंगे। तो ये प्रक्रिया रहेगी। सीयू को ऑन करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ड्रॉप बॉक्स में 7 पर्चियां कट के गिरेंगी, यानी कि जो हमारी मशीन है वो सही से कनेक्ट हो गई है और सही से काम कर रही है। इसमें ये ध्यान रखना है कि यदि कोई पार्ट कार्य सही से नहीं कर रहा है तो उसको किस तरह से बदलेंगे। मॉक कॉल के टाइम पे यदि सीयू सही से काम नहीं कर रही है तो केवल सीयू बदली जाएगी, बैलेट यूनिट काम नहीं कर रही है सही से तो केवल बैलेट यूनिट बदली जाएगी, और वीवीपैट यदि काम नहीं कर रहा है तो वीवीपैट खराब है तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा। और इस कंडीशन में बदली गई मशीन सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास होंगी। लेकिन एक्चुअल पोल में, एक्चुअल पोल के समय पे यदि सीयू या बीयू में से कोई भी खराब होता है तो पूरा सेट बदला जाएगा। पूरे सेट का मतलब यह है कि चाहे बीयू खराब होती है, सीयू खराब होती है, तो पूरा सेट का मतलब बीयू, सीयू और वीवीपैट तीनों बदले जाएंगे। उसी तरह से बीयू खराब होती है तो भी तीनों बदले जाएंगे। और लेकिन यदि एक्चुअल पोल के टाइम पे वीवीपैट खराब होता है तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा। और यहाँ यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि केवल वीवीपैट बदला जाता है तो कोई दोबारा से मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि एक्चुअल पोल के टाइम पे सीयू या बीयू खराब होती हैं और पूरा सेट बदला जाता है तो एक एक वोट का मॉक पोल भी दोबारा नोटा सहित कराया जाएगा।